वेलकम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल लैब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पेज को ओपन कीजिए। इसके बाद स्टेप फर्स्ट पे गूगल पे हम यहाँ पर सर्च करेंगे vlab.co.in, ये टाइप करके इसे हम सर्च करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर पेज हमारा ओपन हुआ। इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम शो कर रहा है, तो आप जिस भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हो, ठीक है, आप उस लैब को, उस डिपार्टमेंट को ओपन कीजिए। जिस तरह से मुझे मैकेनिकल लैब कराना है, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, मटेरियल रिस्पॉन्स टू माइक्रोस्ट्रक्चर, मैकेनिकल, थर्मल एंड बायोलॉजिकल स्टिम्यूली लैब है, जो कि IIT कानपुर से यहाँ पर करवाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी कैट टी सैड लेबोरेटरी है, जो कि IIT खड़गपुर से करवाया जा रहा है। इसी तरह से वर्चुअल लेबोरेटरी और मल्टीफेज फ्लो है, जो IIT खड़गपुर से कराया जा रहा है। आपको जो भी लैब करना है, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कीजिए, फिर उसे ओपन कीजिएगा। जैसे कि अभी हम लोग करेंगे मेटल फॉर्मिंग वर्चुअल सिमुलेशन लैब, तो इसे हम कहाँ से किया जा रहा है, दयालबाग आगरा से। तो इस पेज को आप ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करने से आपको ये पेज ओपन होगा। अब इस तरह से इसका होम पेज खुला। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग वर्चुअल सिमुलेशन लैब है, जो कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से ये आपको कराया जा रहा है। ये हमारा होम पेज है, जिसे कि हम होम पेज में देख सकते हैं। मोटिवेशन, मेटल फॉर्मिंग एप्लीकेशन, मेटल फॉर्मिंग का एप्लीकेशन दिखा रहा है। फिर स्टेप ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस है, प्रोसेस वेरिएबल, सिमुलेशन सेटअप, ठीक है। तो मोटिवेशन में क्या है, सबसे पहले अब मेटल फॉर्मिंग के बारे में दिया हुआ है कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडस्ट्री। इट हैज ए स्पेशल प्लेस बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस पार्ट ऑफ सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विथ मिनिमम वेस्ट ऑफ मटेरियल। पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्रोसेस फाइंड एप्लीकेशन इन द ऑटोमेटिव, सपोज दैट आपका जैसे एग्जाम्पल है एयरक्राफ्ट, रेल रोड एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। There is a need to enhance forging activity in India. Motivation, अब मेटल फॉर्मिंग के बारे में ये आपको इंट्रो करा रहा है। अब मेटल फॉर्मिंग क्या है? The term metal forming refers to a group of manufacturing methods by which the given materials, usually shapeless, ठीक है, और of a simple geometry is transformed into a useful part without changing the mass or composition of the material. जिस तरह से आप देख सकते हो, this part usually has a complex geometry with well-defined shape, size and accuracy and tolerance, appearance and property. Most metal forming process जो such as cold and hot forging है, जैसे कि आपका extrusion, rolling, bending and deep drawing, where metal is formed by plastic deformation. तो ये कितने टेम्परेचर पे किया गया है, कोल्ड फॉर्मिंग और वार्म फॉर्मिंग हमारा है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हॉट फॉर्मिंग। आप इसे स्क्रॉल कीजिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका इंट्रोडक्शन था मेटल फॉर्मिंग का। अब एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन मेटल फॉर्मिंग का क्या क्या है। एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या है हमारा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, फास्टनर सच एज स्क्रू, नट, बोल्ट एंड रिवेट्स, आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो। हैंड टूल सच एज हैमर,
पिलर्स, स्क्रू ड्राइवर्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपोनेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट इक्विपमेंट्स, मशीन टूल एंड ऑटोमोबाइल। कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स में यूज्ड इन टनलिंग, माइनिंग एंड क्या है क्वेरिंग, रूफिंग एंड वॉलिंग एलिमेंट, पीट प्रॉप्स ईटीसी। फिटिंग यूज्ड इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री सच एज फॉर डोर एंड विंडोज, कंटेनर सच एज मेटल बॉक्स, कैन एंड कैनिस्टर्स। तो ये जो था ये हमारा मेटल फॉर्मिंग का एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं कर सकते, ये एप्लीकेशन है। अब है कि स्टेप ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस, आप देख सकते हो स्टेप यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस। स्टेप वन में क्या है कि सिलेक्शन ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस वेरिएबल्स एंड पैरामीटर, आपको वेरिएबल और पैरामीटर पहले सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप टू में हमारा क्या है, डिजाइन ऑफ परफॉर्म्स इस तरह से। स्टेप थ्री क्या है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टेज, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज और मल्टी स्टेज। स्टेप फोर है डिजाइन ऑफ डाइज, और स्टेप फाइव डिजाइन फाइनल शेप। तो ये था हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस। प्रोसेस वेरिएबल जैसे कि बिलेट मटेरियल कौन सा आप लेते हो, डाई वेलोसिटी क्या है आपकी, फॉर्जिंग ज्योमेट्री क्या है, वर्किंग टेम्परेचर कितना है, कूलेंट क्या है, इंटरफेस क्या है और लुब्रिकेशन कौन सा यूज करते हो आप। तो ये हमारा है प्रोसेस वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा है सिमुलेशन सेटअप, सिमुलेशन ऑफ अपसेटिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है फॉर्जिंग, जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऑफसेटिंग प्रोसेस आता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, फिर क्या कहते हैं ऑफसेटिंग फॉर्जिंग प्रोसेस का विथ फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन, मटेरियल क्या ले रहे हैं, डायमेंशन क्या है उसका, बिलेट टेम्परेचर क्या ले रहे हो, डाई टेम्परेचर क्या ले रहे हो, तो रिडक्शन इन हाइट कितना हुआ आपका, प्रेस कौन सा है, ठीक है, रैम स्पीड कितने ले रहे हो आप, सब ये जो डेटा है ये डेटा आपको लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है और डाई टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका डायमेंशन दिया हुआ है वर्क पीस का 100 mm लेंथ है और 100 mm डाया है, ठीक है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हम ये बिफोर डिफॉर्मेशन था, आपने डिफॉर्म किया तो आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या हुआ, 50% रिडक्शन इन हाइट, यानी अब 50 mm हो गया हमारा डाई, ये जो डाई है आप इसको क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, लेकिन ये जो डाई था हमारा ये वाला, ये डाई हमारा क्या है, स्टेशनरी है, ये मूवेबल नहीं है, मूवेबल बस आपका ये है जिसपे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं एक वीडियो से, इस वीडियो में आप देख सकते हो आप यहां देख रहे हो प्रोसेस हो रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है और ये बिलेट है, ये अपर डाई है और ये लोअर डाई है, लोअर डाई जो है वो स्टेशनरी है और अपर डाई जो है वो मूवेबल है, आप इस पे फोर्स अप्लाई करें तो देख सकते हो आप डिफॉर्म होकर के आपका जो मटेरियल्स है वो वर्क पीस इस तरह से जॉब ऑब्टेंट होगा, ठीक है, ये आपका बाद आफ्टर डिफॉर्म है, ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं मूवी में आपका नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अपसेटिंग प्रोसेस होगा हमारा। इस तरह से आपने देख लिया सिमुलेशन हम अपसेटिंग प्रोसेस का किस तरह से करेंगे। अब है कि इक्विपमेंट, हम जैसे कि अपसेटिंग इक्विपमेंट में गए तो अपसेटिंग प्रोसेस का इक्विपमेंट क्या क्या है, रेस्टोरेशन प्रोसेस का इक्विपमेंट यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एक एक करके इस पर वीडियो बनाएंगे, तो अपसेटिंग प्रोसेस में हम जाते हैं तो आप देख सकते हो ग्रेविटी ड्रिप
हैमर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हैमर काइनेमेटिक्स, नकल ज्वाइंट प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस है आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मैकेनिकल प्रेस होता है, स्क्रू प्रेस होता है। तो ये था हमारा क्या चीज, इक्विपमेंट्स है। अब जैसे कि हम प्रोसेस में जाते हैं, तो प्रोसेस में आप देख सकते हो फॉर्मिंग में कौन कौन सा है, अपसीटिंग है, एक्सट्रूशन है, मल्टी स्टेप फोर्जिंग है, हैमर फोर्जिंग है, रोलिंग है, सीट मेटल वर्किंग है, और वाइटल फॉर्मिंग है, हाइड्रो फॉर्मिंग है, स्ट्रेच फॉर्मिंग, ठीक है, कॉगिंग है, स्वेगिंग है, आपका स्टैम्पिंग है, रिवेटिंग है, क्रंचिंग है, ठीक है, तो रिकम्प्रेशन टेस्ट। तो जो आपके सिलेबस के अंदर आता है, मतलब कि अंदर आएगा, वो हम सिर्फ इसमें लैब करेंगे। अब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो फॉर्मिंग प्रोसेस का जैसे कि एप्लीकेशन क्या क्या है, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, स्क्रू हेड, गियर मैन्युफैक्चरिंग, बार सीयरिंग, ठीक है, मेडिकल इम्प्लांट्स और रिपर प्रोसेस। तो ये जैसे कि सपोज दैट हम चलते हैं यहां पर कनेक्टिंग रॉड का, कि देखते हैं कि एप्लीकेशन को ओपन करके, तो आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड के बारे में सबसे पहले यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, आई सेक्शन कहते हैं, ये हमारा बिग एंड है और ये स्मॉल एंड है, जिसका यूज आप देखते हो कहाँ करते हो, ऑटोमोबाइल में करते हो, ये हमारा देख रहे हो, कनेक्टिंग रॉड मस्ट बी लाइट एंड इट इज स्ट्रांग इनफ टू ट्रांसमिट द थ्रस्ट ऑफ द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। ये था कनेक्टिंग रॉड का वर्क होता है, ठीक है। और ये किस चीज का बना था, फ्रॉम ए स्टील एलॉय। अब देखते हैं जैसे कि डिजाइन करना है, तो डिजाइन में यहां पर लिखा हुआ है आपका मटेरियल्स, आप क्या चूज करोगे वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्रॉस ग्रेन फ्लो क्या होगा, फैक्ट्स क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड इन इंटरनल कंबसन इंजन, ये थ्योरी है, ठीक है, इसे आपको पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी। फिर कंपाउंड रड्स, अब जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम सिमुलेशन में अब जाते हैं कनेक्टिंग रॉड का, तो फॉर्मिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड स्टेप 1 है। स्टेप 1 में सिमुलेशन स्टेप सेटअप ऑफ स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें वीडियो में ये बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये हमारा बिल्लेट है जो रेड कलर का है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, और इस बिल्लेट को अपर डाई और लोअर डाई के बीच में से रखा गया है, साथ में अपर डाई को इस पे प्रेस किया जा रहा है बिल्लेट पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक चीज, ये जो हमारा बिल्लेट है ये अपर डाई है, ठीक है, सॉरी बिल्लेट नहीं अपर डाई है, और ये लोअर डाई, दोनों के ग्रुप्स बना हुआ है, ठीक है, इस दोनों के ग्रुप यानी कि लोअर डाई यहाँ पर है, ये स्टेशनरी है और इसको मूव कराते हैं रख के, एक सिंपल जो इसका कोई शेप नहीं है बिलेट्स का। और जब आप इसे निकालते हो तो देखिए फ्री फोर्स इस तरह से था, कनेक्टिंग रॉड हमारा इस तरह से निकलेगा यहां से निकलने के बाद। तो अब क्या करेंगे हम इसे, ये कनेक्टिंग रॉड हमारा है, इसे हम मशीनिंग करके हटा देंगे और इस तरह से हमें ये जो है कनेक्टिंग रॉड क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। अब जैसे कि हम सिमुलेशन में स्टेप 1 यहां पर देखें, अब स्टेप 2 में जाते हैं, विथ स्ट्रेट करेंगे तो किस तरह से ये हमारा फॉर्म होगा कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हो फिगर में, ये आपका बिल्लेट है,
ठीक है, इसको आपने दोनों डाई के बीच में रखा और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो। तो देख यहाँ पर आप देख सकते कैसे डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, सारी एक्टिविटी आपको दिख रही है कि किस तरह से ये डिफॉर्म हो रहा है। देखिए कनेक्टिंग रॉड बन रहा है, ठीक है, सेम प्रोसेस। ये फिर से रिपीट हो रहा है, इस तरह से ये हमारा कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि किस तरह से बनता है। अब चलते हैं हम इसके मेन पेज पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लैब करेंगे, सबसे पहले एक एक लैब उठाएंगे और वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लैब के साथ आएंगे। थैंक यू।